हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल सिंह केडीएम क्लासेस की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो है जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड क्या मतलब है? जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, हमने जो पुरानी लेक्चर पढ़े है ना, उस पुराने लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है, इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड किस तरीके से एक्शन करते हैं, उन एक्शन के मोड पे हमने उन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो इंसेक्टिसाइड जो है उनकी जनरेशन की बारे में बात की जाए। जनरेशन का मतलब है सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप पे सबसे पहले क्या यूज में लिया गया, उसे हमने बोला फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन एडवांस जनरेशन बोल सकते हैं, एडवांस। आज के प्रेजेंट टाइम पे जो जनरेशन चल रही है वो एडवांस जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। ये जो जनरेशन थी ये थी ऑर्गेनोफॉस्फेट और क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड काम में लिए जा रहे थे उस टाइम पे। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काम में ली गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे हम जो इंसेक्टिसाइड काम में ले रहे थे वो ले रहे थे ऑर्गेनोफॉस्फेट, यानी उसमें कार्बन होगा और फॉस्फेट ग्रुप होंगे, ऐसे इंसेक्टिसाइड काम में ले रहे थे। और क्लोरीन जिसमें थे, क्लोरीन या क्लोरीन के ऑक्साइड जिसमें थे उनको हम काम में ले रहे थे। ये माइंड करें आप, ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और क्लोरीनेटेड। और ये दोनों ही सिस्टेमिक के साथ साथ स्टोमक और कॉन्टेक्ट में भी इफेक्ट शो करते हैं। ये एक तरीके से एक कॉमन इंसेक्टिसाइड थे। उसके बाद में हमें एक स्पेसिफिक वो चाहिए था इंसेक्टिसाइड के लिए, स्पेसिफिक अपने को इंसेक्टिसाइड चाहिए थे, तो अपन ने क्या किया, उन्हें मॉडर्न कर दिया। मॉडर्न सिंथेटिक जो है उनमें हमने क्या किया, देखो ये मॉडर्न कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जब इंसेक्टिसाइड काम में लिए हमें पता नहीं था कि क्रॉप में इस इंसेक्ट को किस से मारे, तो हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट डाल देते थे या फिर क्लोरीन वाला कोई कंपोनेंट डाल देते, जिससे वो इंसेक्ट मर भी जाते नहीं भी मरते। पर आप सोचो, हमें उसकी कोई डोज पता नहीं है, स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी पता नहीं है, तो हमने उससे एडवांस बनने के लिए क्या किया, उसमें पर्टिकुलर के बारे में बात की कि अब मुझे इंसेक्टिसाइड कौन सा काम में लेना चाहिए जब मुझे ऑर्गेनोफॉस्फेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जैसे क्लोरीनेटेड की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मैं क्यों ना फ्यूमिगेंट काम में ले लूं, क्यों ना मैं फिर स्टोमक पॉइजन इंसेक्टिसाइड काम में ले लूं, कॉन्टेक्ट वाला ही स्पेशली ले लूं। नहीं तो हमको ये कंफर्म करना था कि ये तो है कॉमन, इससे एडवांस हुए मॉडर्न सिंथेटाइज। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या बन रहा था कि इंडिया जो है वो इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में सेकेंड जनरेशन में चल रहा है, वैसे सेकेंड से थर्ड में एंट्री कर चुका है, पर अभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इंडिया को सेकेंड जनरेशन के इंसेक्टिसाइड में ही इंक्लूड करके चलेंगे। थर्ड जनरेशन जो थे वो थर्ड जनरेशन में इंसेक्टिसाइड क्या काम में ले रहे थे, रिपेलेंट के लिए काम रहे थे, हम उन्हें डैमेज नहीं करके, उन्हें सस्टेन नहीं करके, उनको किल नहीं करके, उन्हें रिपेल करें, ऐसे केमिकल्स काम में लेने लगे जिससे हम इंसेक्ट को या डैमेजिंग पेस्ट को हम क्या करें, उन्हें वहां से रिपेल कराए, वहां आए ही नहीं, वो आए तो आने के कारण उसमें ऐसी कुछ स्टेप यूज में लें, ऐसी कोई एडिशन करें, ऐसा कुछ ऐड कर दें कि वो जो इंसेक्ट है वो उससे उस, जैसे अभी इंसेक्ट लगा हुआ है एफिड लीफ आके अटैक कर रहा है, तो एफिड उस लीफ पे रुके ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रिपेलेंट काम में ले रहे हैं। ये थर्ड जनरेशन। रीजन क्यों, क्योंकि हम जब इनको काम में लेंगे ना, एडवांस होते जाएंगे तो केमिकल का इफेक्ट कम पड़ेगा, और केमिकल का इफेक्ट आप सोचो, प्लांट में दे रहे हो आप केमिकल को, तो प्लांट सस्टेन कर रहा है उसको रख रहा है, उसको एब्जॉर्ब करके रख रहा है, तो कुछ दिन बाद में वो फूड प्रोडक्शन में भी हमारे पास भी आएगा। यही रीजन है कि फिर वो फूड हमारे हम उसे अगर फूड को गेन करेंगे, खाना खाएंगे, तो खाना खाओगे तो आपको केमिकल आपके अंदर भी जाएगा। तो क्यों इतना केमिकल हैवी, क्यों केमिकल लिया जाए, कुछ एडवांस किया जाए। तो सबसे पहले जो था ना उसमें हमने एडवांस नहीं बने, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा भी कंज्यूम किया है इस इंसेक्टिसाइड को, फिर हमने मॉडर्न बनाए, उन्हें उनकी उनको स्पेसिफिक कर दिया, इस इंसेक्ट को इसी के इस केमिकल से ये जीव इजीली मार सकते हैं, तो हम क्यों इनको ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेशन में काम में ले। फिर थर्ड जनरेशन में
इंडिया के अंदर ये जनरेशन नहीं आई अभी अच्छे से, पर ये यहाँ पे एडवांस जैसे आप रिसर्च के अंदर आते हैं तो वहां पे अपन काम में लेने लगे। पहले वो सेक्स अट्रैक्शन, ये जो ये क्या है, ये कैसे कवर करता है, ये कवर करता है अट्रैक्शन। हम क्या करते हैं, फिरोमोन्स ट्रैप लेके आते हैं ना, वो लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें मेल फीमेल जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, उन्हें हेलुसिनेट कर दिया जाता है, उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस मेल या फीमेल इंसेक्ट के अंदर अगर हमने कुछ ऐसी केमिकल को लगाया जिसकी स्मेल किसको अट्रैक्ट करे, मेल को अट्रैक्ट कर ले, तो हमें उसे ट्रैप कर लेंगे। तो ये है एडवांस जनरेशन, कौन सी, थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन इंडिया में रिसर्च के पर्पज पे ही काम में ली जाती है, जनरल पर्पज पे काम में नहीं ली जाती है। जबकि यूएसए में बात करें अपन, तो यूएसए में यही इंसेक्टिसाइड अब एंटी हार्मोनल कंडीशन में काम में लेने लगे, एंटी हार्मोनल की तरह यूज में लेने लगे हैं। तो हमें इस जनरेशन में, इस जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड में एक दो तीन पॉइंट याद रखने होंगे। सबसे पुराने ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लोरिनेटेड, सेकंड जनरेशन इंडिया क्रॉस कर रहा है उसे, थर्ड जनरेशन जिसमें आपको ये पॉइंट अच्छा होगा, सेक्स अट्रैक्शन का जो इंसेक्ट को सेक्स के लिए अट्रैक्ट करते हैं ऐसे फिरोमोन्स को ट्रैप करने के लिए लगा दिया जाता है, या फिर उन्हें रिपेल करने के लिए लगा दिया जाए, इंसेक्ट उस पर आए ही नहीं। और फोर्थ यूएसए, ये यूएसए जो है वो कहां चल रहा है, फोर्थ जनरेशन में चल रहा है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसमें मैं जो ऐड करने वाला हूं वो ऐड करने वाला हूं, तो बात कर रहा हूं मैं इंसेक्टिसाइड एडिटिव्स की। इंसेक्टिसाइड एडिटिव्स क्या है, इंसेक्टिसाइड एडिटिव्स का मतलब ये है कि मैं इंसेक्टिसाइड जो काम में ले रहा हूं उसके दो चीज को प्रॉफिटेबल बना दूं। क्या, एक तो इंसेक्टिसाइड की जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाए, ठीक है, और एफिशिएंसी के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाए। सपोज करो हमारे पास 1 किलो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, और 1 किलो जो पैकेट है इंसेक्टिसाइड का उसे आप यूज में ले सकते हो कम से कम 3 से 4 हेक्टेयर में, एवरेज मान के चलें, ठीक है, और आप उसे यूज में नहीं ले पा रहे, क्यों, क्योंकि उसे 3 से 4 हेक्टेयर में वो इतना सा 1 किलो उसको कैसे स्प्रेड करोगे। तो आप क्या करते हो, उसके लिए एडिटिव्स काम में लेते हैं। एडिटिव्स का यूज क्या है, यूज कंट्रोल इफेक्टिवली। देखो क्या, इंसेक्ट या पेस्ट या इंसेक्ट को अगर आप इफेक्टिवली, इफेक्टिव का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा। देखो इंसेक्ट के ऊपर आपने कोई इंसेक्टिसाइड डाला, इंसेक्ट विल किल 100% है, वो मर जाएगा, ठीक है, पर आपको ये पता है कि आपने उसको एक्स्ट्रा में डाल दिया तो वो क्या हुआ, वो तो एक उसका यूज ही नहीं हुआ। आपको वो जितना उसकी कंसंट्रेशन पे वो डैमेज हो पा रहा था उतना ही डालना चाहिए ना। तो यही काम करते हैं हम एडिटिव्स मिला के, कि हम उसमें इतना एडिटिव मिलाते हैं, एक्स्ट्रा चीज मिला लेते हैं जिससे उस इंसेक्टिसाइड का आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेते हैं या वो इफेक्टिवली यूज कर लेते हैं उसे। और सेकंड क्या, उसका आपने वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। टॉक्सिकेंट का मतलब वही हुआ कि उसके उस इंसेक्टिसाइड का आपने ऐसा एडिशन किया, ऐसी चीज ऐड की कि वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो ज्यादा काम में आया। ये इंसेक्टिसाइड दो तरीके से एडिटिव्स में काम आते हैं, एक तो डस्ट और एक स्प्रे। अब ये डस्ट एडिटिव्स क्या है, डस्ट एडिटिव्स वो होंगे जो सॉलिड फॉर्म में होंगे। डस्ट एडिटिव्स में आप सैंड ले सकते हैं, क्ले ले सकते हैं, मैं बहुत सारे फार्मर्स आपने देखे होंगे जब भी कोई ऐसा कोई इंसेक्टिसाइड हो, ऐसा कोई पाउडर होता है, ठीक है, उस पाउडर को वो क्या करते हैं, मिट्टी में या उस रेत में मिला के, या फिर वो जो कंकर बजरी होती है उस बजरी में मिला के और पूरे खेत में स्प्रे कर देते हैं, पूरे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, डस्ट एडिटिव्स है। हमारे पास इससे क्या इंपोर्टेंसी है, इस इंपोर्टेंट ये है, एडिटिव्स का यूज क्या है, यूज टू कंट्रोल इफेक्टिवली पेस्ट या टू कंट्रोल पेस्ट इफेक्टिवली एंड वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिकेंट विल इंक्रीज। जो इफेक्टिवली यूज ले सकते हो किसको, पेस्ट कंट्रोल में, वो एडिटिव्स है, और वो जो उसका वॉल्यूम भी बढ़ा देते हो
सोचो 1 किलो पाउडर को आप 10 किलो पाउडर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वो आपने क्या कर दिया, उसका टॉक्सिकेंट का वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास की पॉइंट होना चाहिए कि एडिटिव्स जो है जो एक तो यूज करते हैं, यूज उसका जो होता है वो इफेक्टिव बना देते हैं और सेकंड वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। ठीक है, सेकंड आपसे ये कभी कभी गलती से पूछा जाए कि डस्ट एडिटिव्स में क्या करेंगे, टॉक्सिकेंट में आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाएंगे, जैसे आपने किसी किसी भी क्रॉप का क्या ले लिया, स्ट्रॉ ले लिया, चारा ले लिया, ठीक है, या उसका कोई जैसे कोई आपने ये लिया सोयाबीन, या सोयाबीन के सेल ले लिए, ठीक है, वो आपको काम में ले लेंगे। कैसे, डस्ट के फॉर्म में हम ज्यादातर काम में ले सकते हैं क्ले, ठीक है, और भी काम में ले सकते हैं, जैसे आपने इंसेक्टिसाइड में जिप्सम में, जिप्सम में यूज में ले लिया, लाइम यूज में ले लिया, ये सब क्या है, डस्ट एडिटिव्स है। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम, तो डियर स्प्रे एडिटिव्स को थोड़ा ध्यान से देखें। स्प्रे एडिटिव्स में आप क्या देख रहे हो, इसे हम 3 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सॉल्वेंट, एक वेटिंग एजेंट, एक इमल्सिफायर। इसको ऐसे समझो, मैं जो एडिटिव्स ले रहा हूं ऐसे इंसेक्टिसाइड के साथ, जो इंसेक्टिसाइड आप काम में ले रहे हो उसके साथ, जिसको ले रहे हो उसकी बात कर रहा हूं, एडिटिव्स की बात कर रहा हूं। मैं एक इंसेक्टिसाइड लाया, उसको मैं लिक्विड या स्प्रे एडिटिव्स में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे काम करेगा वो, आप उस लिक्विड को लेके आओ, उस इंसेक्टिसाइड को लेके आओ, ठीक है, उस केमिकल को लेके आओ, और यहां लाके आप 3 टाइप्स के उसे यूज में ले सकते हो, 3 टाइप्स में हम उसे मिला सकते हैं। एज ए सॉल्वेंट मैं ऐसा ऐसा एडिटिव्स लू जो सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, सॉल्वेंट का मतलब मेजर पोर्शन उसी का होगा, जैसे केरोसिन, केरोसिन ऑयल ले लिया आपने, तो केरोसिन ज्यादा ले लो, उसमें वो इंसेक्टिसाइड को मिला लो, ठीक है, वो जो लिक्विड बनेगा वो आपका स्प्रे एडिटिव्स के नाम से जाना जाएगा। इसमें सॉल्वेंट क्या ले सकते हो, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ज़ाइलीन, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप क्या ले रहे हो, एडिटिव्स के रूप में वहां में ले रहे हो, उन्हें सॉल्वेंट के वर्क कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्यों, इसका रीजन सुनिएगा, यही क्यों वर्क कर रहा है, ये इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि जो एडिटिव्स आप ले रहे हो वो ले रहे हो ऑर्गेनिक फॉर्म में, और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो खुद ऑर्गेनिक ज्यादातर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होते हैं, तो एक कंसेप्ट होता है सेम डिजॉल्व सेम, जो जैसा है वैसे में घुल जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होता है, तो ये भी नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर में इजीली डिजोल्व हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड को डिजोल्व करो, वो इजीली आपको डिजोल्व हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप इनको एफर्ड नहीं कर पाते, एक फार्मर इसको एफर्ड नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए वो दूसरा अल्टरनेट देखता है, क्या, वेटिंग एजेंट के लिए काम में लेता है वाटर, ठीक है, वो क्या करता है पानी में मिला लेता है उसे, ठीक है, तो एफिशिएंट ये था, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम है एफिशिएंट हो जाएगा ना। यहां आपने बोला ना एडिटिव्स क्या करते हैं, टॉक्सिक कंटेंट जो है उस इंसेक्टिसाइड का उसको भी इंक्रीज कर देते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, तो यहां ज्यादा एफिशिएंट वर्क कर रहा था, पर ये महंगा पड़ रहा है, एफर्ट नहीं हो रहा है एक फार्मर पे, वो इसको कवर नहीं कर पा रहा, तो फिर वो क्या करता है उस पानी में काम में लेता है, तो वो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, 10-5% कम हो जाती है, कब हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं वेटिंग एजेंट की तरह काम में लेना। और थर्ड, ये थोड़ा एडवांस टाइप का है, ऐसे इंसेक्टिसाइड भी आते हैं जो इमल्सिफायर की तरह काम में लो तब वो उसकी तरह यूज में ले सकते हैं उसे, कैसे काम में लेते हैं, उसमें आप जो भी इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं उसे ले लो, उसमें थोड़ा सा आपको क्या मिलाना पड़ेगा, ये सॉल्वेंट मिलाने पड़ेंगे, या तो केरोसिन, डीजल या पेट्रोल, डीजल पेट्रोल आप मिलाएंगे नहीं, तो उनको कॉमन सी बात है, क्या आप उसमें मिलाने वाले हो, क्या केरोसिन मिला लेते हैं, तो हम उसमें से इंसेक्टिसाइड ले लेते हैं जो उसकी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको ये कंसंट्रेशन कैसे बनती है अगले वीडियो में आपको पक्का बताने वाला हूँ कि इंसेक्टिसाइड को किस किस कंसंट्रेशन में कैसे कैसे काम में लेते हैं, ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टॉक्सिकेंट इंसेक्टिसाइड, आपने उसका एक अमाउंट होगा, आप उसका वॉल्यूम लेंगे कुछ, उस वॉल्यूम में सॉल्वेंट का आप वॉल्यूम लेंगे, सॉल्वेंट उसमें डिजोल्व करेंगे, उसे मिक्स करेंगे, ये तो मिक्स हो जाएगा, पर इसमें आप इमल्सिफायर और वाटर जो है उन दोनों को भी ऐड कर लो,
इमल्सीफायर क्या होंगे, इमल्सीफायर ऐसे केमिकल डाले जाएंगे, ऐसे लिक्विड डाले जाएंगे, वो क्या करेंगे इन सबको, ये घुलते तो है नहीं, आपस में डिजोल्व नहीं हो रहे ना, तो ये क्या करते हैं, इसको हम प्रेशराइज करते हैं। जैसे मैं स्प्रेयर लेके आया, तो वो स्प्रेयर इसमें क्या काम आ रहा है, इमल्सीफायर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इस टॉक्सिकेंट को, सॉल्वेंट को, वाटर को, इन सबको क्या करेगा, मिक्स करेगा। मिक्स करेगा तो इससे फॉर्म बनती है। आपने देखा होगा पानी को और तेल को मिक्स नहीं कर सकते, तो आप उसे घोल दो, उसे सेक कर दो, उसे घुमा दो जोर से, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेक हो जाता है। सेक होने का मतलब है वो घुल जाता है, कुछ टाइम के लिए घुल जाता है। तो वो केमिकल जो पानी में नहीं घुल रहा था, उसमें आप क्या कर रहे हो, उस केमिकल में कुछ तो सॉल्वेंट डाल रहे हो जिससे वो थोड़ा बहुत तो घुले, ठीक है। उसके साथ साथ पानी आपने ज्यादा मेजर एजेंट ले रखा है, क्योंकि हमारे पास इजीली मिल रहा है वो, और उसमें इमल्सीफायर का वर्क करके, और इसे बना देते हैं हम इमल्सीफायर, जिसे हम बोलते हैं ईसी। देखो ऐसे आपको केमिकल पे लिखे हुए दिखते हैं बहुत सारे, ईसी, WP, ठीक है, ऐसे S, ये आप क्या है इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। क्या बोलेंगे अपन, टाइप्स ऑफ, नया वीडियो जो होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। क्या बोलेंगे उसे, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, किस तरीके के फॉर्मुलेशन करते हैं हम इंसेक्टिसाइड के। तो यहाँ वीडियो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, आप मेरा वीडियो बिल्कुल देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, नीड हो जिस स्टूडेंट को उसके पास जरूर पहुंचाएं। आप इस चीज से भी अवेयर रहें कि ऐसा नहीं है एमएससी के लिए ही ये पढ़ाया जाएगा, ये आप अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। साथ ही अगर आप ZICR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं, आपको बायो में काम आएंगे। बायो में आपके पास एंटो है, बायो में एंटो के टॉपिक है, आप उनको जरूर एक बार देखें, ये कहीं कहीं आपको वर्क कर रहे हैं। ये इवन आपको बिलीव हो जाएगा कि 12th में भी है, 12th एग्रीकल्चर में भी है ये वीडियो, ये रिक्वायरमेंट, ये कैसे बनता है, कैसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये उसमें भी है। तो ये मेजर टॉपिक है, इस मेजर टॉपिक को प्लीज आप एक बार जरूर देखें। थैंक यू सो मच।